न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरें। नीमच में देसी पिस्टल बेचने वाले चार बदमाश गिरफ्तार। भोपाल में 65 साल पुरानी लायल बुक डिपो में लगी आग, हजारों किताबें जलकर राख। हरदा में 9वीं का छात्र मैदान में चक्कर खाकर गिर गया, उसे स्कूल वालों ने घर छोड़ा, अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों के 30 नवंबर तक के सर्टिफिकेट ही मान्य करेंगे। रीवा सीधी में मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग का लोकार्पण आज। आयुष्मान भारत योजना में हो रहे घोटाले और गड़बड़ी रोकने के लिए कई बदलाव किए। मरीज की हर दिन की केस शीश सहित हर जानकारी अपलोड करना होगी। देवास में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो पिता ने बेटे को गला घोटकर दोनों हाथ काट डाले और मार डाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे वहां आर्यमन की एमपीसीएस में एंट्री, मौजूदा टीम ही करेगी काम। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर रामघाट पर एक साथ जलेंगे 21 लाख दिए, वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशियन न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।